बाहर के टेम्परेचर पर उनको नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल कुछ देर के लिए उनको टेम्परेचर टनल के ही टेम्परेचर पर रखा गया है, उसके बाद इनको सीधे एम्बुलेंस के द्वारा चलियानी सौंड जो सामुदायिक केंद्र है वहां ले जाया जाएगा, इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ही अपने परिजनों के साथ घर जा सकते हैं। फिलहाल ये सबसे बड़ी राहत की खबर, देश की दुआएं, देश की प्रार्थनाएं लगातार इन तमाम 41 मजदूरों के साथ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर आपाधापी है वो शुरू हो चुकी है, लगातार मशक्कत की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस लगातार वहाँ पर मौजूद है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 12 तारीख से ये मजदूर वहाँ पर फंसे हुए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैमरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरीके से 12 तारीख से लगातार रेस्क्यू शुरू हुआ। दिवाली से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, जिनको आज सकुशल सुरक्षित तरीके से पूरी सेफ्टी के साथ बाहर निकाला जा सका है। ड्रिफ्ट टनल बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया, उसके बाद काम शुरू हुआ। और देखिए, ये सबसे बड़ा जरिया बना यहाँ तक पहुँचने के लिए, और कहा इसके बारे में ये जा रहा था कि ये टनल जब बन जाएगी तो बहुत कम समय में मजदूरों को यहाँ तक यहाँ से निकाला जा सकता है। इसके अलावा रेड माइनर्स की टीम यहाँ पर पहुँची, जिसकी मदद से हाथ की खुदाई से शुरू किया गया और इन तमाम लोगों को यहाँ से निकाला गया। तो तमाम तकनीकियों का भी सहारा लिया जा रहा है, लखनऊ से रेस्क्यू रोबोटिक्स वैज्ञानिक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस टेक्निक से 24 घंटे सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की मानसिक स्थिति पर भी पूरी अपडेट रखी जाएगी। 16 दिनों से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चौतरफा अभियान तमाम दुश्वारियों भरा रहा, लेकिन जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं उम्मीदें जीती, जिंदगी भी पूरी तरह से सुरक्षित है इन तमाम 41 लोगों की। 16वें दिन सुरंग के ऊपर तो काम चलता रहा, लेकिन भीतर ब्लेड निकालने के बावजूद मशीन का हेड फंसने से भी तमाम चुनौतियां सामने आई, कई दुश्वारियां सामने आई। और अब जिस तरीके से तमाम लोगों को निकाला जा रहा है, एक बहुत बड़ी राहत इन सभी के लिए। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए थे, उन्हें बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो अब सफल तब दिख रही है। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक और क्या अपडेट है इस वक्त वहां से? देखिए, अपडेट जो मौजूदा है वो यही है कि फिलहाल सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है, सभी को अभी फिलहाल एक्यूमुलेशन में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं वो उनको ना हो, क्योंकि टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा जिस क्षेत्र में ये है, काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां पर जो तापमान है वो भी काफी गिरा हुआ है, लेकिन सुरंग के अंदर का जो तापमान था वो लगभग 30 से 32 के बीच में था। तो अचानक से अगर ये तापमान में अंतर आएगा तो हो सकता है कि जो 17 दिन से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिनके अंदर फिलहाल विटामिन डी की एफिशिएंसी है, विटामिन सी की एफिशिएंसी है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई बीमारी पकड़ ले। तो फिलहाल उन्हें एक्यूमुलेशन में रखा गया है और फिलहाल वहीं पर उनको रेस्टिंग पोजीशन में रखा गया है। जब सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें चिन्याली सौड़ के अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां पर 41 बेड का अस्पताल जो है उनके लिए बनाया हुआ है। और पूरे प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी इन मजदूरों का ना हो और सभी स्वस्थ वो हो जाएं। तो किसी ना किसी तरह प्रशासन पूरी इस तैयारियों में जुटा हुआ है और लगातार कोशिश कर रहा है कि सभी मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू किया जाए। मयूरी, बिल्कुल आलोक, मैं अभी ये भी जानना चाहूंगी कि जो जानकारी वहां से निकल कर आ रही है, सुरंग में बचाव दल के साथ मजदूरों के परिजन भी वहां पर पहुंच पा रहे हैं, परिजन भी वहां पर जा रहे हैं, उनको भी जाने दिया जा रहा है और उनमें भी काफी खुशी है, क्योंकि उम्मीदें जिस तरीके से थी और अब उनके परिजन जिस तरीके से सुरक्षित है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल है ये। आलोक जी, बिल्कुल, देखिए टनल के बाहर उन्हें लाया गया, फिलहाल पूरी तरह से बाहर नहीं लेके आया गया है, लेकिन जो परिजन बाहर टनल के इंतजार उनका इंतजार कर रहे थे, उनको फिलहाल अंदर जाने की अनुमति दे दी गई है और लगातार परिजन जो है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। काफी खुशी भी उनके मन में इस वक्त होगी, क्योंकि 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर ये सभी श्रमिक बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशी उनके मन में भी होगी और परिजनों के मन में भी होगी। और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह इन लोगों से ही मिल सके, इनसे मुलाकात कर सके, अपने परिवार के लोगों से। तो एक बहुत ही उत्साहित करने वाली बात, बहुत ही खुशी की बात आज बाहर आई है, क्योंकि 17 दिन के बाद ये देखने को मिला है इन सभी मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। जी सर,
बिल्कुल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की फौज वहां पर पहुंची है। मतलब सारे लोगों की नजरें इस रेस्क्यू पर टिकी हुई थी, गड़ी हुई थी आलोक। और अभी इस वक्त वहां पर कौन कौन है? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं, और ये जिला प्रशासन की टीम, शासन प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस बल सभी वहां पर तैनात है, पैरा मेडिकल स्टाफ वहां पर तैनात है, एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है चिनाली सड़क अस्पताल तक, ताकि अस्पताल पहुंचने तक जो है एम्बुलेंस कहीं पर रुके ना, सीधे वो अस्पताल उनको पहुंचाया जाए, किसी जाम की समस्या से एम्बुलेंस ना जूझे और कोई देरी किसी प्रकार की ना हो। तो सभी तैयारियां पूरी की गई हैं प्रशासन द्वारा, और कोशिश यही है कि इन मजदूरों की जिंदगियां बचाई जा सके। हालांकि अभी तो फिलहाल ये सकुशल बाहर निकले हैं 41 के 41 मजदूर, लेकिन हो सकता है कि बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर में बदलाव आएगा उसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो उसकी भी पूरी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, और कोशिश यही है इन सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। जी भाई, बिल्कुल, ओवरऑल अभी तक कहा जा सकता है जिस तरीके से वहां पर चीजें हो रही हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, अब ये माना जा सकता है कि अभी रात का समय लग जाए। देखिए, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि चिन्याली सौड़ का अस्पताल जो है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ज्यादा समय अब नहीं लगेगा। जब इनको बाहर निकालने का कार्य शुरू किया जा चुका है, अब तक जो मौजूदा अपडेट है लगभग 16 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं, तो जैसे ही 41 बाहर निकल जाएंगे तो 2 से 3 किलोमीटर का जो फासला है वो 10 से 15 मिनट में वहां वो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, और लगभग आधे घंटे के बीच में, 1 घंटे के बीच में परिजन भी उनसे पूरी तरह से मुलाकात कर पाएंगे, और जो भी मजदूरों को स्वास्थ्य संबंधित चीजें उपलब्ध करवाई जानी है वो भी वहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो जिला प्रशासन का जो ये कदम है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, और देखने वाली बात यही होगी कि ये मजदूर जो अंदर फंसे थे उनके अंदर जो उनके मन में जो है वो क्या चल रहा था 17 दिन से, वो भी निकलकर सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत की सांस आज सभी ने ली है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हो, सेना की टुकड़ी हो, या पैरामेडिकल स्टाफ हो, या मीडिया कर्मी हो, वो वहां पर मौजूद थे और लगातार 17 दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो आज एक सबसे बड़ी राहत की सांस इन्होंने ली है, 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज सभी मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस पर सियासत भी खूब हुई, जिस तरीके से दिवाली से ये लोग फंसे हुए थे, आखिरकार इनको बाहर निकाल लिया गया है पूरी सेफ्टी के साथ। लगभग 2:07 पर मुख्यमंत्री धामी ने भी एक ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश भर में लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, एक बहुत बड़ी सफलता है। खुद मुख्यमंत्री इस रेस्क्यू से जुड़ा हर एक अपडेट प्रदेशवासियों तक, देशवासियों तक पहुंचा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए एक बात को कहना दोहराए नहीं होगी कि कल ही टनल के बाहर जो मंदिर बनाया गया है उसके ठीक पीछे भगवान भोलेनाथ की आकृति जो है वो भी निकलकर सामने आई थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि ECSPL एंड मापई इंडिया, विच इज अ कंस्ट्रक्शन केमिकल बेस्ड कंपनी, वी आर इन क्लोज कोलैबोरेशन इन इंडिया एंड वी आर दी एक्सपर्ट्स इन टनलिंग एज वेल एज अदर ऑपरेशन जॉब्स अक्रॉस द इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तमाम एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं जिनकी मदद से जो 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, और अब इनको, इनमें से लगभग 17 लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनको वहां पर निकाला जा रहा है, और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है, मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 17 दिनों से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, इन श्रमिकों को सकुशल तरीके से बाहर निकाल, पाइप के अंदर तक चला गया है, पाइप थ्रू हो चुकी है, पाइप एनव्यूगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारे ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेकर आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है, ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं, वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है, उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम्प बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर।
एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं और अब इनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू यानी कि एक बड़ी सफलता इस रेस्क्यू से जुड़ी हुई से माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 17 दिनों से 41 मजदूरों की जिंदगियां वहां पर फंसी हुई थी और इन्हें निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ऐसे में देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी था, तमाम लोगों की प्रार्थनाएं असफल हुई और अब इन तमाम 41 लोगों को वहां से निकालने की जो प्रक्रिया थी, जिस पर देश भर की नज़र थी, वो शुरू हो चुकी है और अब तक 15 लोगों को बाहर भी निकाला जा चुका है। फिलहाल इनको अभी टनल में ही रखा गया है। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, वहाँ से तमाम जो रिएक्शंस हैं विशेषज्ञों की निकल कर सामने आए और वो खुद ही ये मानते हैं कि बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए और एक बहुत बड़ी सफलता, इसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा देश के इतिहास के लिए। आलोक जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जब ये टनल के भीतर लैंडस्लाइड हुआ था तो उस वक्त जब ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया था तो सबसे बड़ी दिक्कतें जो आ रही थी कि टनल के निर्माण के वक्त जो सरिया या लोहे के पार्ट्स वहां पर लगाए गए थे वो भी इस मलबे में गिरे हुए थे, जिसकी वजह से जो ऑगर मशीन वहां पर लगी हुई थी वो भी बार बार फंस जा रही थी, बाकी जो तमाम मशीनें वहां पर लगी हुई थी वो भी बार बार फंस जा रही थी, यहां तक कि ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का कार्य भी शुरू किया गया और साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य भी शुरू किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती भी इन सभी लोगों के लिए थी, जो लगातार बाधाएं सामने आ रही थी उनको लेकर भी एक बहुत बड़ी चुनौती इन सभी लोगों के मन में थी। और अब जब देखा गया कि 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि 60 मीटर का हिस्सा जो धसा था वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, उसको अगर सिर्फ मलबा होता, मिट्टी होती, तो शायद उसे 1 या 2 दिन में ही पूरा कर लिया जाता इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। हालांकि जो लोहे के पार्ट थे उसने कई मशीनों को वहां पर क्षतिग्रस्त किया और कई बार बाधाएं भी निकलकर सामने आई, कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि मशीन खराब हो गई है, अब 2 से 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्थगित हो गया, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। तो ये चीजें भी निकलकर सामने आई, एक बहुत बड़ी चुनौती सबके लिए थी। और अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, तो एक सफलता की ओर भी इसे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारियां वहां से दे रहे हैं। आलोक, इस समय भीड़ बहुत दिख रही है इन विजुअल्स में, अब जैसा कि हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं तमाम आपाधापी है इस वक्त, और एक बड़ी चुनौती तमाम लोगों को अभी है कि पूरी तरह से सुरक्षित जो एक तरीका है वहां से उनको निकाल लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से प्रशासन का ये जो तरीका है ये प्रशासन अपना रहा है और लगातार ये कोशिश कर रहा है इन सभी मजदूरों को सकुशल वहां से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि अभी भी जैसे मौजूदा अपडेट है कि मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है लेकिन उन्हें एक्यूमुलेशन में रखा गया है, कहीं ना कहीं ये इस वजह से रखा गया है कि ताकि उनके जो शरीर है उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई स्वास्थ्य संबंधित उनको कोई दिक्कत ना हो, और एक्यूमुलेशन के बाद उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल ले जाया जाएगा जहाँ उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता क्लियर करवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं कि किसी प्रकार की कोई हानि वहां पर ना हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वहां पर ना हो, तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। मयूर और नरेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, सीधा रुक करेंगे एक बार नरेंद्र का। नरेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अभी यहाँ पर जो मजदूर हैं वो निकलकर बाहर आए हैं और ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे बातचीत किए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की एक टीम भी वहाँ पर मौजूद है जो मरीजों का जो प्राइमरी चेकअप है वो कर रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो परिजन बाहर खड़े हुए थे उन सबको उनके बैगेज के साथ अंदर बुला लिया गया है और एक एक एम्बुलेंस में एक एक जो लेबर है उसके साथ में उनके परिजनों को यहां से चिन्यालीसौड़ भेजा जाएगा जहां पर जिला अस्पताल है, क्योंकि जो मेजर चेकअप्स वगैरह है वो सब वहीं पर किए जाने हैं और इसीलिए वहां पर उनके परिजनों को भी बुला लिया गया है। उसी एम्बुलेंस में परिजन भी उस अपने जो साथी परिजन हैं, जो घर के लोग हैं, जो यहाँ फंसे हुए मजदूर थे, उनको यहाँ से लेकर जाएंगे चिन्यालीसौड़ और वहीं पर उनका जो डिटेल चेकअप होना है वो होगा। फिलहाल जो इंतजार किया जा रहा है कुछ और ये बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस है अंदर टनल के और बाहरी मुहाने पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अंतर है उसमें, उसको देखते हुए फिलहाल जो डॉक्टरों की सलाह है उसके हिसाब से उनको थोड़ी देर के लिए वहीं पर रोका गया है। एम्बुलेंस में फिलहाल उनको बिठाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और थोड़ी देर में उनको यहां से चिन्यालीसौड़ ले जाया जाएगा। अभी आपको बताया कि थोड़ी देर पहले कुछ फूल मालाएं हैं वो भी अंदर गई हैं, ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो वहां पर मौजूद ऑफिशियल्स हैं वो सब मजदूरों का
माला डालकर स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। उनको एक एक तरीके से ये कहे कि ये मेंटली बैकअप देने वाली बात होगी, तो ये अच्छी अच्छा जो कदम है वो माना जा रहा है। और थोड़ी देर में जो एम्बुलेंसों का यहाँ से जिंदगी का सवाल था, एक तरह से नई जिंदगी इनको मिली। हम और आप लगातार इस माह कवरेज में जुड़े रहे, ग्राउंड जीरो से आप लोग अपडेट देते रहे। आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहां से प्रॉपर एकदम एक्यूरेट खबरें दर्शकों तक पहुंचाना, भारत समाचार के तमाम दर्शकों तक पहुंचाना। पंकज जी, कितना बड़ा टास्क था रेस्क्यू टीम्स के लिए देश भर की, क्योंकि निगाह बनी हुई थी, सवाल उठ रहे थे, देरी हुई, लेकिन आज जिस तरीके से एक बड़ा दिन साबित हुआ, क्या कहा जाए इस पर, क्योंकि 50-50 वाला मामला था ये। उम्मीद तो देश भर की थी लेकिन डर भी लग रहा था। नरेंद्र, बिल्कुल डर भी था, और अगर वहाँ की परिस्थितियाँ देखी जाएं वो बेहद विषम परिस्थितियाँ हैं। वहाँ पर सामान्यतः कोई अगर पहुँचना चाहे तो उसके लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नहीं है। जो मजदूरों के परिजन हैं वो भी बहुत लंबा खर्चा करके और दो दो दिन में यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको एक बात और बताएं कि जो मजदूर अंदर फंस गए थे वो सामान्य लोग नहीं है, वो हमेशा इसी तरह के टन और ब्रिजेस वगैरह में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ की जो पूरी भौगोलिक स्थिति है उसका भी उनको ज्ञान था, महीनों से यहाँ पर काम कर रहे थे। अगर कोई नया व्यक्ति अगर सडनली यहाँ फंस जाता है तो उसको तो यहाँ सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होगा। और सोचिए कि जब वो वहाँ पर फंसे तो कोई तैयारी थोड़ी ही थी, वो तो क्या है, तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है, अदानी है तो मुमकिन है। आपने देखा है पिछले 17 दिनों से यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारीकी से जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हो रही थी, और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो उनसे ले रहे थे। और जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। साथ मेरे दोस्त सहयोगी नरेंद्र और आलोक लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, वहां से प्रतिक्रिया शुरू हो गई और लोगों की खुशी जाहिर लोग अब कर रहे हैं, और देखिए नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं बात कर रहा था परिजनों की और यहाँ जो मजदूर बंद हैं, फंसे हुए हैं उनकी। आपको बताएं कि जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके पास मैं नहीं समझता कि बहुत सारे ऐसे सामान रहे होंगे, और शुरुआत के जो 9 दिन उन्होंने गुजारे हैं वो इतने कठिन थे। आप सोचिए कि केवल ड्राई फ्रूट्स के जरिए, एक 4 इंची का पाइप था उसके जरिए ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे से पैकेट अंदर जाते थे, उन ड्राई फ्रूट्स को खाकर, और जो पहाड़ों से पानी वहां पर गिर रहा था उस पानी को पीकर वो जिंदा रहे हैं। कितनी विषम परिस्थिति उनके सामने रही है। ये कहा जाता है कि सामान्यतः अगर आप सुबह दाल खाते हैं और शाम को भी अगर आपको दाल दे दी जाए तो किसी तरह मुंह थोड़ा सा बिचका के दाल खाई जा सकती है, लेकिन अगर तीसरे पहर भी आपको वही खाना दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितना कीमती खाना हो, चाहे वो कितना सामान्य सा खाना हो। तो ये बात समझी जा सकती है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसके मुताबिक बहुत विषम परिस्थितियां वहां पर थी, जिन परिस्थितियों में इन सभी मजदूरों ने वहां पर सर्वाइव किया है। अभी मेरी बात हुई यहां पर एक लखीमपुर खीरी के गांव से, चौधरी जी आए हुए हैं, उनका नाम चौधरी है, उनके 2 बेटे थे, एक बेटा इसी टनल में फंसा हुआ है, और 1.5 साल पहले उनका जो एक दूसरा बेटा था वो मुंबई में एक इसी तरह का ब्रिज बन रहा था, वहाँ पर एक हादसा हुआ, उसका शिकार होकर उसकी मौत हो गई। तो वो बड़े बेटे को खो चुके थे जब वो यहाँ पर पहुँचे थे करीब 16 या 17 तारीख को, तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मायूसी थी और वो बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनका बेटा जो है वो अंदर से बाहर आएगा। उनकी एक बार शुरुआत में जब अपने बेटे से बात हुई तो उनकी चेहरे की चमक देखने लायक थी। आज उनका बेटा टनल के अंदर से बाहर आ रहा है। अभी थोड़ी देर उनके उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा जो एक पौधा बचा हुआ था उस पौधे को मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा, और मुझे नहीं लगता कि अब भविष्य में वो कभी ऐसे लेबर के काम पर वो अपने बेटे को भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ देख ली हैं जहाँ से लोगों का जिंदा निकलना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में
ऐसी ऐसी परिस्थितियां जो हैं इन मजदूरों के परिजनों ने देखी हैं, वो अपनी पत्नी के जेवर जो है वो गिरवी रखकर तब यहाँ बेटे को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई दिनों से यहीं पर हैं और पूरे दिन हमने उनको यहाँ उत्तरकाशी के इस सिरप्यारा टनल के बाहर भटकते हुए देखा है, एक टक लगाए देखते रहते हैं इस सुरंग के बाहर कब उनका बेटा बाहर आएगा। तो ऐसी परिस्थितियां परिजनों ने और मजदूरों ने फेस की हैं जो काफी मार्मिक हैं और ऐसी हैं कि शायद ही कोई इस परिस्थिति से दोबारा गुजरने की कोशिश करेगा या मन रखना चाहेगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए आप जो बता रहे हैं सभी परिजनों के लिए भी एक भावुक क्षण होगा और एक बड़ी सफलता इसे कहा जाए। और नरेंद्र, जो आगामी जिस तरीके से निर्माणाधीन चीज़ें चल रही हैं भविष्य के लिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इस हादसे ने अलर्ट कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि हम और हमारा सिस्टम कितना अलर्ट हुए हैं ऐसे हादसों से। देखिए ये वाकई बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। जो पहली प्राथमिकता थी वो ये थी कि मजदूर किसी तरीके से बाहर निकल आए, लेकिन इस दौरान मेरी कई सारे जो यहाँ पर जियोलॉजिस्ट हैं उनसे भी बात हुई, जो लोग यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, टनलिंग के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी मेरी विस्तृत बातचीत हुई। ये बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है कि यहाँ पर जिस तरीके से टनल का निर्माण किया गया, यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें रही, क्या चूक रही जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये जितने भी अंडरग्राउंड स्पेस में निर्माण होते हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा सजगता बरती जाती है और उसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग होती है, क्योंकि यहाँ से जो हैवी ट्रैफिक है वो हमेशा रन करेगा, तो ऐसे में किसकी जान कहाँ फंस जाए इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। जो एक एस्केप टनल की बात कही गई थी, वो एस्केप टनल 4.5 किलोमीटर लंबी टनल के साथ नहीं बनाई गई, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसको लेकर चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं, चाहे नितिन गडकरी हों, उनसे भी सवाल पूछे गए थे, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने केवल यही कहकर ये बात टाल दी थी कि जब मजदूर बाहर आ जाएंगे तब आगे की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मजदूरों के बाहर आने के बाद अगर ये टनल कम्प्लीट होती है तो यहाँ के लोगों के लिए और जो दूर देश से आने वाले यात्री हैं, जो गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर करने वाले हैं, जर्नी करने वाले हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए टनल कितनी सफल होती है, कितनी सुरक्षित होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलाके के लोग भी इस टनल के ऊपर शुरुआत से ही उंगलियां उठा रहे थे और उनका ये मानना था कि जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह है उन सब चीज़ों में बहुत सारे ऐसे मानक हैं जिनको अनदेखा किया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंक्वायरी की हैं, बाद में इंक्वायरी सेटअप होगी और उसके बाद ये जाना जा सकेगा कि आखिर कहाँ चूक रही जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल पंकज, अभी फिलहाल और कितना इंतजार करना होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी 25 लोग और फंसे हुए हैं, उनको अब क्या ये माना जाए कि अभी रात हो सकती है इसमें, अभी ओवरऑल तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में ज्यादा। आपको आवाज आ रही है मेरी नरेंद्र? बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है, मैं समझा कि शायद ये सवाल पंकज से है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इंतजार है वो कब पूरा होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा अब सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अभी का जो वक्त है करीब करीब 4 बजने वाले हैं और इसके बाद यहाँ पर जो सनलाइट है वो भी ख़त्म होने के कगार पर होगी, तो ये जो रेस्क्यू है इसी तरीके से चलता रहेगा। जो गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो यहाँ से चिन्याली सौड़ के लिए भेजी जाएंगी, लेकिन अभी ये देखना होगा कि रात के समय पहाड़ों में सफ़र करना कितना दुष्कर होता है, ये भी देखना होगा। साथ ही जो मौसम यहाँ पर करवट लिए हुए है, हल्की फुल्की बारिश है जगह जगह पर, उसको लेकर भी चिंताएं हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है करीब करीब 40 मिनट का समय यहाँ से चिन्याली सौड़ के लिए लगता है और कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर जो रास्ते टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहाँ पर बेहद सजग रहने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसने इंतजाम किया होगा, इस सबको ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया होगा और उसके जरिए इन एम्बुलेंसेस को वहाँ चिन्याली सौड़ में जो जिला अस्पताल है वहाँ तक ले जाया जाएगा और वहाँ पर
जो मजदूर यहां से निकले हुए हैं इन सब का विस्तृत चेकअप किया जाएगा, डॉक्टर इनकी मॉनिटरिंग रखेंगे। ये बताया जा रहा है कि एक से लेकर दो दिनों तक इनको वहां पर रखा जाएगा, जिसके बाद वहां से एयरलिफ्ट करके इनके जो पैतृक गांव है या शहर है वहां तक भेजा जाएगा। इसके लिए अलग अलग राज्यों से जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि आगे की क्या व्यवस्था रहती है, वो उसके लिए जो ब्रीफिंग की बात है वो बाद में करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल कर आई है। अंदर क्या स्थिति है इसके लिए भी अभी तक कोई जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि ऋषिकेश एम्स में भी व्यवस्थाएं पूरी हैं और ट्रॉमा सेंटर में भी लगभग 20 बेड्स पूरी तरह से मौजूद हैं। हर एक एंगल पे जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से सुचारू है, चाक चौबंद है, किसी भी तरह की कमियां नहीं रखी गई है। नरेंद्र महापात, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये तैयारियां जो हैं ये आज नहीं, ये तैयारियां 17-18 तारीख यानी 17-18 नवंबर को पूरी कर ली गई थी। उस समय स्थिति ये थी कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो अमेरिकन ओगर जिस स्पीड से शुरुआत में काम की थी लगातार 23 घंटे में उसने 22.5 मीटर का जो स्पेस है वो कवर कर लिया था, तो उम्मीद ये थी कि अगले एक से दो दिन में जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हडल सामने आए उसको लेकर बहुत सारी चिंताएं और व्यवधान पैदा हुआ। उसी समय स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी तैयारियां थी वो सब कर ली गई थी। पीएमओ और जो चार धाम सेतु ड्रीम प्रोजेक्ट के जो ओएसडी हैं भास्कर खुलके वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं खुद देखी थी। जो एम्बुलेंसेज हैं 41 एम्बुलेंसेज जो है वो 17-18 तारीख में यहाँ पर आना शुरू हो गई थी। इसके अलावा जहाँ पर एक चिन्याली सोहण में जिला अस्पताल है वहाँ एक स्पेस बिल्कुल 41 बेड्स का अलग से क्रिएट किया गया है, जहाँ पर किसी के लिए भी कोई व्यवधान नहीं होना है, कोई ऊहापो की स्थिति नहीं होनी है, कोई चकल्लत जैसी स्थिति नहीं होनी है। और वहाँ पर आसपास के अस्पतालों से जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी बुलाकर तैनात कर दिए गए थे। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ है जितने भी इक्विपमेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे वहाँ मुहैया कराए गए थे। और वहाँ पर एक चिंकू जो हेलीकॉप्टर है उसको भी तैनात किया गया था कि अगर किसी मरीज को एम्स ऋषिकेश या फिर दिल्ली पहुंचाना हो उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तो जहां तक तैयारियों की बात है उसमें कहीं कोई हीला हवाली नहीं है। पूरे एरिया को, पूरे रोड्स को जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहां से चिन्याली सोल के लिए एम्बुलेंसेज रवाना की जाएंगी। और वो जो पल है, वो जो लम्हा है, वो थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आधे से एक घंटे के अंदर तो एम्बुलेंसेज हैं यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जो मजदूर वहाँ रोके गए हैं उसका वजह केवल इतना ही है कि जो अंदर टनल का तापमान था वो 35 डिग्री के आसपास का था और जो बाहर का तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास का है। तो जो टेम्परेचर मेंटेन करने की बात होती है उसी के तहत ये मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह है जिसके तहत मजदूर यहाँ पर रोके गए हैं। जी बिल्कुल, नरेंद्र वहाँ से जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वहाँ पर अभी की जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जब एम्बुलेंसेस को लेकर अस्पताल की तरफ निकलेंगी तो जो चीजें हैं वो अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि सभी लोगों को अस्पताल ले जाया जाएगा और लगभग एक से दो दिनों तक की कड़ी मॉनिटरिंग डॉक्टरों की रहेगी, उसके बाद ही अपने घर जा सकेंगे। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से टनल से मजदूरों को निकालने का काम किया गया। लगभग 17 दिनों का जो वक्त था 41 मजदूरों ने वहां पर बिताया, एक लंबा संघर्ष जिंदगी को जीने के लिए किया और आज एक बड़ी सफलता। आप देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं किस तरीके से अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद की गई, किसी भी कहा जा सकता है किसी भी एंगल से कोई भी ऐसी कमी जो तैयारी है वो अधूरी नहीं रखी गई है। डॉक्टर्स पूरी तरीके से मौके पर मौजूद हैं, अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई। और अब जब टनल से बाहर निकलेंगे मजदूर, फिलहाल इनको बाहर से निकालने के बाद एक टनल में रखा गया, उसके बाद इनको इस अस्पताल में लाया जाएगा जहां पर मजदूर एक दो दिनों तक डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग करेंगे। इस पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी और भी तमाम वीवीआईपी लोग मौजूद हैं और अभी भी मजदूरों को टनल से निकालने का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे साथ नरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 16 से 17 दिनों का वक्त बहुत होता है, एक नॉर्मल इंसान लगभग एक से दो दिन बाद ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन इन लोगों की मनोदशा कुछ इस तरीके से ये लोग लोगों को बनानी होती क्योंकि इनको काफी दिनों तक वहां पर काम करना होता है। एक कहा जा सकता है कि साइकोलॉजिकल जो एक कंडीशन होती है, कितना तैयार करते होंगे अपने आप।
वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए ये जो परिस्थितियां हैं जहां पर ये लोग काम कर रहे थे, ये मेंटली वहां के एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से रच बस चुके थे और कई महीनों से यहां पर काम कर रहे थे, इसलिए इनको मालूम था कि यहां पर जहां हम फंसे हैं यहां पर कितना वक्त इनको निकालने में लगेगा। उसके बाद एक सबसे अच्छी व्यवस्था जो वहां पर थी वो ये थी कि वो जो शुरुआत में 4 इंची का पाइप था उससे खाने पीने के लिए चाहे जो भी हो कम से कम अंदर तो जा रहा था। इसके अलावा उनकी उसी पाइप के जरिए जो बातचीत थी वो भी हो रही थी। बाद में एक जो 6.5 इंच व्यास का जो पाइप अंदर इंस्टॉल किया गया, उस पाइप के जरिए जो लिक्विड फूड है और इसके अलावा जो हार्ड फूड है वो भी अंदर भेजा गया। कुछ जरूरत के सामान थे वो भी अंदर भेजे गए, जैसे टूथपेस्ट है, तेल है, कंघा है, इसके अलावा जो मोबाइल है वो भी अंदर भेजा गया। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि जो संवाद था वो वीडियो कॉलिंग के जरिए वहाँ से शुरू हुआ, वो एक वायर की कनेक्टिविटी थी वो भी वहाँ पर की गई। तो जो संवाद शुरू हुआ उससे बहुत आसानी हुई, लोगों को सहजता हुई, परिजन भी जाते थे वो भी आसानी से बात कर लेते थे। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा जो पीएमओ से सचिव आए थे पीके मिश्रा साहब, उन्होंने भी उनसे बात की थी, एक टेलीफोन के जरिए उन्होंने बात की थी। तो एक सेट जो था वो अंदर था, दूसरा जो बायर था, बायर का सेट था वो बाहर की तरफ था, तो आसानी से किसी भी मजदूर से बात की जा सकती थी। ये एक बहुत राहत देने वाली बात थी, व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद जब ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया, जब ऑगर मशीन वहाँ फंस गई तो फिर से उम्मीदें टूटती हुई नजर आई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्यक्रम था उसको शुरू कर दिया गया और उसके बाद जो ऑगर मशीन को निकालने के बाद जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया गया उससे राहतें बनी। और एक और चीज जो इस पूरे रेस्क्यू के दौरान देखने में आई, करीब 3 दिन पहले जब गैस कटर से वहाँ इस्पात की जो सरिया थी वो काटी जा रही थी, जो पाइप था वो काटा जा रहा था, उस समय वहाँ का जो धुआं था, वहाँ का जो स्मोक था वो उस मलबे से बाहर निकल के दूसरी तरफ पहुंचा और इस बात की तस्दीक जो थी वो अंदर फंसे हुए मजदूरों ने की। तो ये समझ में उनको आ गया कि अब हम आजादी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और जो कामयाबी है रेस्क्यू की वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो बमुश्किल 3 दिन हुए हैं और आप ठीक है नरेंद्र, आप तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, मेरे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं एक बार।